2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। अब लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की जंग बची हुई है। इस चरण में कई वीआईपी सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी मुकाबला अंतिम चरण में है, तो बिहार में पाटलिपुत्र का संघर्ष है, हिमाचल में मंडी का महायुद्ध भी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की ओर से अजय राय उन्हें टक्कर दे रहे हैं। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ये है। लगातार 2 बार से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 और 2019 में एक तरफा चुनाव रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी 3,71,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। 2019 में नरेंद्र मोदी 4,80,000 वोटों से करीब करीब जीते। 2009 में मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीते थे। अब बात करते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की। बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार रवि किशन है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद हैं। दो कलाकारों के बीच में यहाँ पर जंग है। 2019 में रवि किशन जीतकर सांसद बने थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट है, योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरखपीठ की परंपरागत सीट कही जाती है, गोरखनाथ मंदिर के गोरखपीठ का प्रभाव इस सीट पर है। 7वें चरण की तीसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा। बीजेपी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनावत हैं यहाँ पर, कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से सीधी लड़ाई सीट पर है, दोनों ही युवा नेता हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। 2021 उपचुनाव में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह यहां से जीती थी। 2019 चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा जीते थे। बात करें हमीरपुर लोकसभा की, ये भी हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर हैं, कांग्रेस की ओर से सतपाल रायजादा उम्मीदवार हैं। बीजेपी का गढ़ ये सीट कही जाती है। पिछले 8 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से सांसद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल 3 बार यहाँ से सांसद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, इसलिए ये सीट हो जाती है खास। 7वें चरण की अगली हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की पटना साहिब लोकसभा। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं यहाँ पर रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस की ओर से हैं अंशुल अभिजीत जो उन्हें टक्कर दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस से उतरे शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने हराया था। अंशुल अभिजीत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहीं, मीरा कुमार के बेटे हैं। वही मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर जो थी यूपीए सरकार में। 2009 और 2014 में बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से जीते थे, लेकिन फिर वो बागी हो गए और कांग्रेस में चले गए। अगली सीट है बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा। बीजेपी की ओर से रामकृपाल यादव हैं, इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी की मीसा भारती हैं यहां पर। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी हैं मीसा भारती। 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराया था, लेकिन इस चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव परिवार का फिर से इम्तिहान है और यह सीट लालू यादव के लिए नाक का सवाल बन गई है। हालांकि ये सभी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनके लिए आने वाली 1 जून को जनता इन प्रत्याशियों के लिए वोट करेगी और देखना होगा कि कौन कौन नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाएगा। बता दें कि 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। इसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होगा और कई राज्य हैं। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होगा, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होगा। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव होगा, चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। तो यहां पर 7वें चरण में चुनाव होगा। और बता दें कि 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में 57 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 25 सीटें जीती थीं, एनडीए के खाते में आई थी 32 सीटें। तो इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को जनता क्या फैसला करती है।